नमस्कार, स्वागत है आपका एफएस न्यूज में और मैं हूँ सुभाष। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान विधानसभा संख्या के 105 भावी उम्मीदवार राजन कुमार, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने राजनीतिक में तो कदम रख करके एक हलचले मचा दी है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि 105 विधानसभा संख्या में इन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दिया है, तो इस समय हम मुखातिब होंगे और जानेंगे कि इन्होंने राजनीतिक में आने से पहले क्या इनका सोच है। तो सबसे पहले तो राजन जी, हमारे एफएस न्यूज में स्वागत है आपका। आपका भी सिवान विधानसभा क्षेत्र में स्वागत है 105 में। आपको बता दें कि राजनीति में आने की प्रेरणा हमें समाज के द्वारा ही मिला। हमने देखा कि समाज में तमाम विसंगतियाँ हैं और यहाँ जात पात के आधार पर सारा राजनीति का फंडा लोग खेल रहे हैं। ये समाज में नहीं होना चाहिए। और जब आप जात पात के नाम पर आप राजनीति खेलते हैं तो समाज में तमाम तरह की जटिलताएं पैदा कर देते हैं, और इस जटिलता को दूर करने के लिए आपको जात पात से ऊपर उठ के राजनीति करना होगा। तो बाकी किसी भी नेता के पास इस आधार पर राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। मैं बिना जात पात का मैं राजनीति करने उतरा हूँ मैदान में। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास किसी भी जात और बिरादर और धर्म तंत्र के लोग आएंगे, मेरा वो सब अपने होंगे। मैं कभी भी जात पात की बात नहीं करता हूँ। मैं इन चीज़ों से मैं ऊपर उठ के ही मैं बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जब आप जात और पात या धर्म संप्रदाय के नाम पर आप काम करते हैं तो आप राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं। सर, जनसंपर्क चालू है, क्षेत्र का आप दौरा कर रहे हैं, मुख्य मुद्दे आपके सामने क्या है और जनता के बीच किन मुद्दों के बीच जा रहे हैं आप? बहुत सारे मुद्दे हैं समाज के सामने, मुंह बाए हुए खड़े हैं मुद्दे। अभी आज 7 महीना से स्कूल के बच्चे नहीं जा रहे हैं। अभी प्रेजेंट में स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं गए और स्कूल उन गार्जियन से फीस का डिमांड कर रहा है। जो बच्चे अभी पढ़े नहीं हैं, अगर बच्चे पढ़ने गए होते तब फीस का डिमांड स्कूल करते हैं। ये सिवान की जनता का मैं समस्या, पूरे बिहार की जनता का यही समस्या है। बच्चे पढ़ने नहीं गए, उनका फीस मांगा जा रहा है। व्यापार नहीं चला, फिर भी वहाँ पे भी तमाम तरह की समस्याएं वहाँ भी है। और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी का है मुद्दा, तो इस तरह का लोग तमाम सभी लोग गिना देते हैं। लेकिन उस पर गहराई से चिंतन करने वाले कितने लोग हैं? जिला अस्पताल होना चाहिए हमारे सिवान में, यहाँ सदर अस्पताल है। शिक्षा के लिए हम वोट यहाँ देने आएंगे और शिक्षा लेने कोटा, राजस्थान, बेंगलोर, दिल्ली जाएंगे। हम वोट यहाँ देंगे नेताओं को और स्वास्थ्य के सुधार के लिए दिल्ली और पटना या गोरखपुर जाएंगे। हम कमाने के लिए दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाएंगे और वोट देने बिहार में आएंगे। हमारे नेता अगर ठीक होते तो तमाम कल कारखाने यहाँ लगे होते, हमारे बिहार में लगे होते और बाहर से लोग हमारे यहाँ कल कारखानों में काम करने के लिए आते। आपको मैं बता दूं, आप देखिए उन स्टेशनों पर जाकर के, बस स्टैंड में जाकर के देखिए, वो गरीब का माँ बाप जब अपने बच्चे को स्टेशन पर छोड़ने के लिए आता है किस तरह से गला मिल के रोता है। उनका रुदन देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि मैं किस दुनिया में खड़ा हूँ। एक बच्चा जब अपने माँ से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से दूर जाता है स्टेशन पर, कभी आपने देखा है? बस स्टैंड में आप देखिए उनके कैसे वो बच्चों के सामने रोते हैं, अपने परिवार से बिछड़ने का कितना दर्द झेलना। ये इसके कारण, इसके कौन कारण हो सकते हैं? यहाँ के नेता हैं इसके कारण। हमारे नेता अगर यहाँ के इंडस्ट्री और यहाँ फैक्ट्री और उद्योग जगत में अगर खड़ा किए रहते तो आज वो परिस्थितियाँ, गांव देहात के जो लोग बच्चे हमारे अपना घर द्वार छोड़ करके और दूसरे जगह जाके कमाते हैं, वो नहीं जा पाते, यहाँ अपने परिवार के बीच में खुशहाल रहते। सिवान विधानसभा संख्या 105 के जनता से क्या अपील होगी? सिवान की जनता से यही अपील है कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में एक अधिकार जनता के हाथ में जबरदस्त अधिकार मिला हुआ है। बेहतर नेतृत्व प्रदान करना है तो बेहतर व्यक्तित्व के व्यक्ति को चुन करके आप अपने जिला पार्षद, नगर पार्षद, विधानसभा, लोकसभा, किसी गलत व्यक्ति के हाथ में अगर आपकी अपने इस भारत माँ का सत्ता सौंप देंगे तो वो व्यक्ति गलत दिशा में ही लेके जाएगा। इसलिए आप मुझे चुने ना चुने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा अच्छे व्यक्तित्व को चुने, अच्छे लोगों को चुने,
अच्छा राष्ट्र के निर्माण की बात करें, अच्छे सिवान की बात करें, अच्छा समाज, अच्छा बिहार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच गंगा स्वीट्स के मालिक भी हैं राजन कुमार। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन चूंकि निर्धारित हो चुका है, डेट जो है वो फिक्स हो चुका है, तो हमारे सहयोगी निशांत के साथ सुबह